प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा अभियान के आह्वान पर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। लोगों ने न धर्म देखा और न समाज, देखा तो मां भारती का सम्मान। इस अभियान में युवा, वृद्ध, बच्चे, महिला, पुरुष, यहां तक कि साधु समाज भी मां भारती के सम्मान के लिए हाथ में तिरंगा लेकर मैदान में कूद पड़ा। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद जिले के टुंडला के विजयगढ़ी के श्री राम जानकी सहसा आश्रम की, जहां पर महंत श्री चंदन दास महाराज अपने भक्तगणों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर मैदान में आ गए। इस व्यंगम दृश्य को देखकर गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे और मां भारती के जय जयकारे लगाने लगे। अब यह अभियान किसी धर्म या जाति का नहीं, बल्कि मां भारती के सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत। 13 तारीख में दिन शनिवार है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र ध्वजा का लगाने के जो अभियान चल रहा है, उस संदर्भ में माननीय कर्मठ अवतारी पुरुष योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में उनका अभियान है कि पूरे प्रदेश में हर घर पर तिरंगा होना चाहिए और हर घर पर तिरंगा लगाया जाए। उसी अभियान के तहत ये हमारे सभी क्षेत्रवासी और कर्मठ जुझारू भूदेव सिंह रुदेव क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता, बड़े कर्मठ और संतों के प्रति, धर्म के प्रति बहुत आस्था रखने वाले सैलून साहब, सुनील, ये हमारे सभी क्षेत्रवासी देख रहे हो, ये विजयगढ़ी सहसा आश्रम पे आए हुए हैं और विजयगढ़ी रुदव मुस्तकिल टूरला लाइन पार सब में जो है ध्वजा लेके हर घर पे प्रचार कर रहे हो, हर घर पे ध्वजा देके घर पे ध्वजा लगवा रहे हैं।